Kangana has always proved herself as an actor. Right from her debut film Gangster to Fashion and very recent Queen. लोग बॉलीवुड की इस क्वीन की खूबसूरती के ही नहीं एक्टिंग के भी दीवाने हैं एंड दैट्स व्हाई क्वीन बिकेम सच अ बिग हिट. वेल इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, कंगना इज आल्सो फेमस फॉर हर इंग्लिश. अपने फनी एक्सेंट और इंग्लिश से कंगना ने बहुत अटेंशन गेन की. लेकिन रिसेंटली जब कंगना पहुंची स्वामी विवेकानंद आश्रम, तब उन्होंने शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना ज्यादा उचित समझा. आज उनका जन्म दिवस है तो इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ बहुत ही छोटी उम्र से. और उनके सारे जितने भी उनकी किताबें हैं या उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, मैं मेरा ये मानना है कि अगर मेरी सफलता का कोई कारण है जो एक प्रोफेशनल लेवल पे जो लोगों को सफलता दिखाई देती है वो तो बहुत ही छोटी एक माइनर सफलता है, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे खुद को बहुत ही सक्सेसफुल एक लड़की मानती हूँ. क्योंकि आई थिंक मैंने ज़िंदगी में जितना बुरा वक्त देखा है या स्ट्रगल देखा है और जितना अंधकार देखा है, उससे मुझे विवेकानंद ने ही, उनकी टीचिंग से ही करके मैं बाहर आई हूँ. डोंट यू थिंक कंगना इज प्लेइंग सेफ? क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश से तो बेहतर है कि वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करे. यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी कभी आती हूँ, कभी किसी युवा को नहीं देखा यहाँ पे भूले भटके आ जाए. सो गाइज, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डू लीव योर कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.